मैं माननीय कुलपति महोदया मैम से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। शुरू करिए, शुरू कीजिए। जी धन्यवाद मैम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहाणम, नमो उच्चाणम, नमो लोये सर्व साहूनम, ऐसो पंच नमो कारो सर्व पावडासु मंगलाणम च सर्वेसिं परम मोहि मंगलम। मैं डॉक्टर बिंदिया तारे, जैन दर्शन शोध पीठी को कोऑर्डिनेटर, माननीय कुलपति महोदया मैम, दर्शन पीठ के मानद आचार्य श्री जीतू भाई बाबूलाल साहब, फॉर्मर डायरेक्टर इंडोलॉजी इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, हमारे कुल सचिव श्री अजय वर्मा सर, मुख्य वक्ता डॉक्टर लताजी बोथरा, डीन प्रोफेसर डी के वर्मा, हमारे कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का वंदन स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में इस जैन दर्शन शोधपीठ के कोऑर्डिनेटर समन्वयक प्रोफेसर सुरेंद्र फाटक सर का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है, तो इस पे जुड़े जितने भी प्रतिभागी हैं मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, जैन दर्शन शोधपीठ की स्थापना पहले कार्यक्रम में हो चुकी है और आज का ये बहुत ही प्रमुख और विशिष्ट व्याख्यान है कि कश्मीर में जैन धर्म की कैसे कश्मीर की स्थापना है। कश्मीर हम जानते हैं कि हम भारत का स्वर्ग जैसे हम मानते हैं, लेकिन वहाँ आतंकवाद भी कहीं ना कहीं किसी पोषण में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर उसी पोषण में होते हुए जैन धर्म की जो स्थापना है वो आज हमारे मानद आचार्य और हमारे मुख्य वक्ता इस बीच में अपना प्रकाश डालेंगे। और मैं इसी के साथ हमारे जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साहब को विशेष प्रवेश के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बिंदिया जी। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के जैन दर्शन शुद्ध पीठ द्वारा आयोजित प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं हमारे कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को प्रणाम करता हूं और हमारे सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर लता बोथरा जी का भी स्वागत करता हूं। जैन दर्शन शोध पीठ द्वारा आयोजित ये विशेष व्याख्यान जिसमें हम आज कश्मीर में जैन धर्म के विषय में लता जी बोथरा द्वारा सुनेंगे। लता जी बोथरा का मैं संक्षिप्त में परिचय दूंगा। और लता बोथरा जी प्राचीन जैन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति के विदुषी है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। जैन पुरातत्व और जैन संस्कृति पर विशेष लेख, शोध लेख पढ़े हैं। विशेष करके जैन धर्म का एक लुप्त तीर्थ जो अद्यावधि लुप्त है, अष्टापद, जिसके साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो कैलाश पर्वत के आसपास कहीं रहा होगा। विगत 3 दशकों से लता बोथरा जी अष्टापद पर्वत के पर शोध कार्य कर रही है और काफी सफलता भी मिली है। लता जी का विषय पूर्व भारत में जैन धर्म और पूर्व भारत में जगत शेठ की एक परंपरा रही, उस परंपरा के बारे में उन्होंने बहुत ही विशेष शोध कार्य किया है। वर्तमान में एक बहुत ही चर्चित विषय पर कार्य कर रही है, गौतम बुद्ध और जैन धर्म के प्रथम गणधर महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी, दोनों में क्या साम्य वैषम्य है, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे या दोनों एक ही थे, इस विषय पर गहन अध्ययन कर रही है।
कश्मीर में जैन धर्म इस विषय पर भी कार्य चल रहा है। इस प्रकार भारतीय पुरातत्व विशेष करके जैन पुरातत्व इतिहास और संस्कृति के विषय में लता जी ने अनेक शोध लेख प्रकट किए हैं, अनेक ग्रंथों की लेखिका है। मैं लता बोथरा जी को आमंत्रित करता हूँ आज के विशेष व्याख्यान के लिए। धन्यवाद। पर सिद्धांत रूपी अंधकार को बीच बीच में चीजें आ जाती हैं। सूर्य के समान संसार रूपी सागर के जल को पार करने के लिए श्रेष्ठ नाव के समान को उड़ाने में वायु के समान उसे श्री महावीर प्रभु का मैं और सुनो जरा अभी थोड़ा रोकना, नहीं बात कट जाती है। प्रोफेसर तो एक मतलब आपका जो स्ट्राइड प्रोजेक्ट है या अंबेडकर फाउंडेशन का जो पैसा है कुलपति मैम से अनुरोध है उनका आदरणीय कुलपति अंबेडकर विश्वविद्यालय नहीं तो पाठक जी कैसे सुनिश्चित होगा कि ये बाधा मैं पॉइंट्स नोट कर लेता हूं और उसके फिर आपसे एक मीटिंग तरीके से माननीय आचार्य प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह एवं सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। ऐसा करते हैं और उसमें डेट टू डेट निकाल लेता हूं किस डेट को क्या प्रॉब्लम कर रही है आप। फॉर एग्जांपल एक ये भी निकालिए कि जब स्ट्राइड प्रोजेक्ट आप लेके आए हेलो उपलब्ध सभी प्राचीन साहित्यिक एवं पुरातात्विक शोधों से यह निश्चित हो चुका है कि मानव संस्कृति के आदि सूत्रधार ऋषभ देव थे। भगवत पुराण ने उन्हें धर्म का आदिमुख अर्थात धर्म को प्रारंभ करने वाला कहा है। पुराण साहित्य अनुसार अग्निदेव ने अपने पुत्र ऋषभ देव के पिता नाभि को हिमालय का क्षेत्र दिया था जिसे अजनाब वर्ष भी कहते थे। जिन संस्कृति या आदि सनातन संस्कृति के आदि स्वरूप के दर्शन हमें हिमालय में ही होते हैं, जहां पर नाभि के पुत्र आदि तीर्थंकर ऋषभ देव की निर्वाण स्थली अष्टपद अवस्थित है। अतः सभी प्राचीन परंपराओं का मूल स्वरूप का प्रारंभ यहीं से हुआ। इसी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित एक जनपद है जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा पृथ्वी का स्वर्ग भी माना जाता है और जिसे आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में जैन संस्कृति के वैशिष्ट्य में केशर क्यारी की घाटी कश्मीर का क्या स्थान रहा, इस प्रकार यहाँ की संस्कृति जैन धर्म से प्रभावित रही, जैन शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान मनीषी आदरणीय जितेंद्र भाई शाह की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना शोध निबंध पढ़ने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद एवं आभार। के साथ मैं अपना ये शोध निबंध प्रस्तुत करने जाती हूँ। कश्मीर के प्राचीन इतिहास को जानने का मुख्य शोध जो आज उपलब्ध है वह है कवि कलहण द्वारा रचित
राजतरंगिणी, जिसका समय है 1148 ईस्वी सन का। कश्मीर के प्राचीन इतिहास के ऊपर इतिहासकार जैनुल ने 15 राजतरंगिणियों की खोज की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आज एक भी उपलब्ध नहीं है। कलहन द्वारा राजतरंगिणी के पश्चात 3 राजतरंगिणियां हमें मिलती हैं, जोन राजाकृत, पंडित श्रीवर रचित जैन राजतरंगिणी और शुक द्वारा लिखित राजतरंगिणी। इनमें सबसे प्राचीन कलहन की राजतरंगिणी है, जिसका आधार नीलमत पुराण है और इसमें महाभारत से लेकर लेखक के समय तक की कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। यद्यपि बीच के अनेक राजाओं का वर्णन इस समय हमें नहीं मिलता और उन राजाओं की क्रोनोलॉजी में भी काफी अंतर है, फिर भी इतिहासकारों ने कलहन की राजतरंगिणी को ऐतिहासिक ग्रंथों में एक प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अतः आज जो भी हमें कश्मीर के इतिहास की सामग्री मिलती है वह इसी ग्रंथ से मिलती है। खुद कलहन ने राजतरंगिणी में अपने लिखने के उद्देश्य का वर्णन किया है एक श्लोक के द्वारा। दिष्टम दिष्टम निपोदितम बद्धवा प्रभियमीयुषाम अर्वाकाल भवि वार्ता तन प्रबंधेषु पुर्यत दाक्ष्यम किये दिदम तस्माद्दिस्मिन् भूतात् वर्णने सब प्रकारम स्खलिते ये जिनाय अमाधम। जिन लेखकों ने अपने समय के निपो का इतिहास लिपिबद्ध किया है उसके बाद इस काल के लिए और क्या बात रह जाती है जो आपके इस नूतन प्रबंध में पूर्वकारों से विशेष है। और इस बात के समाधान में कलहन कहते हैं, यह प्रबंध लिखने की मेरी योजना यह है कि मैं पूर्ण सर्वांगीण क्रमबद्ध इतिहास उपस्थित करूं जो पुरातन इतिहास की स्खलना से विशक्षित है। सारांश में कवि कलहन ने कहा है कि उनकी यह राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को क्रमबद्ध और प्रमाणिक रूप से उपस्थित करती है। प्राचीन काल में कश्मीर को 3 नाम से जाना जाता था, हिमाद्रिकुक्षी, सतीसर और कश्मीर। हिमाद्रिकुक्षी का अर्थ है हिमालय पर्वत की गोद में अवस्थित और ये किंवदंती है कि कश्मीर का नाम सतीसर देवताओं ने दिया था। अंग्रेज इतिहास का बनियर के अनुसार कश्मीर नाम काश्यप मुनि से जुड़ा है। सतीसर पर राज्य करने वाले नीलनाग कश्मीर को बसाने वाले काश्यप ऋषि के पुत्र थे। होरेस सेमेन विल्सन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे पहले संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखा है कि ये काश्यप हिंदू ऋषि नहीं थे बल्कि जिन थे और यह सर्वविदित है कि ऋषभ देव का गोत्र काश्यप था और उनका प्रतीक बैल यानी नंदी। कलहन राजतरंगिणी में सिंधु को उत्तर गंगा कहा गया है और इसी के नजदीक प्राचीन तीर्थस्थल नंदी क्षेत्र पड़ता है जो आज नंदकोल के नाम से जाना जाता है। जैनों की मान्यता है कि सरस्वती का आदि स्थान कश्मीर है और जैन धर्म में सरस्वती की आराधना प्राचीन काल से चली आ रही है और इसकी प्रामाणिकता कि सरस्वती की सबसे प्राचीन प्रतिमा जैनों की है जो मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई में हमें प्राप्त हुई है। ये मथुरा के कंकाली टीले की प्रतिमा है जो सबसे विश्व की सबसे प्राचीन है और विश्व की सबसे सुंदरतम प्रतिमाओं में से एक जैन सरस्वती की प्रतिमा फतेहपुर सीकरी के उत्खनन से प्राप्त हुई है वो ये है। सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है और कलहन ने भी राजतरंगिणी में लिखा है
गंगा स्रोत से पावन भेदगिरी के शिखर पर स्थित सरोवर में देवी हंस रूप में दिखाई देती हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्हें प्रभु ने लिपि और अंक विद्या का ज्ञान दिया था, वही कालांतर में सरस्वती और लक्ष्मी के नाम से पूजी जाने लगी। काश्मीर को कभी ब्राह्मी देश भी कहा जाता था। वहां सरस्वती का मंदिर शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज पीओके में है। एलओसी के बिल्कुल नजदीक में ये स्थित है और इसके पास तीन नदियां, जिनमें एक सरस्वती और दूसरी लक्ष्मी प्रमुख हैं। आज जो कश्मीरी भाषा प्रचलित है उसकी जननी प्राकृत है और प्रचलित शारदा लिपि भी ब्राह्मी लिपि से आई है। कश्मीर में प्राचीन काल से देश विदेश से हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ने आते थे। श्री आनंद कौशल ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतवर्ष में पुरातन काल से काशी और कश्मीर शिक्षा के लिए विख्यात थे, परंतु कश्मीर काशी से आगे निकल गया था। काशी के विद्वानों को अपनी शिक्षा पूरी करने कश्मीर आना पड़ता था। आज भी काशी के लोग बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के समय पवित्र जनेऊ धारण कर कश्मीर की दिशा की ओर सात पग चलने को कहते हैं और यह परंपरा कश्मीर में जाने और वहां से लौटने का प्रतीक है। सदियों से वहां पर भारतीय विचारक, विदेशी विचारक कश्मीर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे हैं, जिनमें ईसा मसीह, वेनसांग, ओफा आदि विद्वानों ने वहां जाकर अध्ययन किया था। वेनसांग ने भी लिखा है कि कश्मीर के लोग शिक्षा प्रेमी तथा सुसंस्कृत हैं। कश्मीर में शिक्षा के लिए बहुत ही आदर और प्रतिष्ठा रही है। प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन का आश्रय स्थल कश्मीर था। वैष्णव संत रामानुजाचार्य को शास्त्रार्थ करने के लिए दक्षिण से कश्मीर की लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। शंकराचार्य और कुमारेल भट्ट की कश्मीर यात्रा भी इसी संदर्भ में थी। अलबरूनी ने भी लिखा है कि कश्मीर हिंदू विद्वानों की सबसे बड़ी पाठशाला है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने भी कश्मीर जाकर संस्कृत का अध्ययन किया था। प्रबंध काव्य में लिखा है कि प्रसिद्ध जैनाचार्य बप भट्ट सूरी जी ने सरस्वती की आराधना कर उनका आशीर्वाद लेकर बौद्ध विद्वान को हरा कर वादी कुंज के सिर की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन रास्ते में अजारा में उन्हें देवी ने दर्शन दिए, इसलिए कश्मीर में देवी का वाहन हंस और अजारा में मयूर को माना गया है। प्रबंध चरित्र में उल्लेख है कि हेमचंद्राचार्य ने व्याकरण की रचना के लिए प्राचीन प्रचलित 8 व्याकरण कश्मीर के सरस्वती मंदिर से मंगवाए थे। सिद्ध हेम व्याकरण की रचना के बाद उसकी 20 प्रति कश्मीर भिजवाई थी। इस प्रकार प्रारंभ से ही कश्मीर विद्वानों की भूमि रहा है और जिनकी पहचान पंडित के रूप में की जाने लगी। अतः इस ज्ञान की भूमि की जातीय पहचान पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई। कश्मीर के एक वरिष्ठ लेखक एवं इतिहासकार मोहम्मद यूसुफ टेंग ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कश्मीरी पंडितों के विषय में कहा है कि कश्मीर में इन मुसलमान पंडितों की संख्या करीब 50,000 होगी, जिनके नाम के आगे भट्ट लगाया जाता था, जैसे अयूब भट्ट। कश्मीरी पंडितों को हिंदू नहीं कहा जाता था, ये शिक्षक होते थे और यही कश्मीर के मूल निवासी हैं, असली कश्मीरी हैं। मुसलमान अपने नाम के आगे भट्ट लिखते थे, उन्होंने वो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने थे और इस्लाम कबूल करने के पूर्व वहां का सबसे ऊंचा तबका था, ब्राह्मणों से भी ऊंचा उनको माना जाता था। आगे वे कहते हैं कि कश्मीर में असल जाति या नस्ल पंडित नहीं थे, बल्कि वो जैन थे
और यह कथन बहुत गंभीर और गहन है जो ये प्रमाणित ही नहीं करता कि कश्मीर के मूल निवासी जैन थे, बल्कि जैन मान्यता का भी समर्थन करता है कि सरस्वती का मूल स्थान कश्मीर है। विक्रम की 15वीं सदी में जैनाचार्य रत्न शेखर सूरी जी ने शाद विधि प्रकरण में कश्मीर शत्रुंजय अवतार तीर्थ की स्थापना से संबंधित एक विवरण दिया है और यह घटना 5वें तीर्थंकर श्री सुमतीनाथ जी के पहले की है। मल्ले देश के राजा जितारी के मन में शत्रुंजय तीर्थ की महिमा सुनकर तीर्थ के दर्शन की उत्कृष्ट इच्छा हुई और उन्होंने भावनावश यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वो तीर्थ के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अतः वे दल बल सेना एवं रानी सहित तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े और चलते चलते राजा संघ के साथ जब कश्मीर के एक वन में पहुंचे तो भूख और प्यास से व्याकुल होने पर भी उन्होंने अपना अभिग्रह भंग नहीं किया और यह देख अधिशायक देव ने रात को राजा को स्वप्न प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति संतुष्ट होकर मैं विमलाचल गिरी यानी शत्रुंजय तीर्थ को यहाँ ले आता हूँ। प्रातःकाल जब संघ ने प्रयाण किया तो उसी समय यक्ष ने उस वन प्रदेश में विमलाचल पर्वत पर शत्रुंजय तीर्थ को स्थापित किया। राजा ने भगवान ऋषभ देव की पूजा वंदन की और फिर वो आगे बढ़ने लगे। वे सात भर आगे बढ़े लेकिन तीर्थ के आकर्षण से फिर वापस पीछे लौट गए और अंत में वही तीर्थ की तलहटी में विमलपुर नगर बसा कर रहने लगे। जिस विमलाचल तीर्थ का यहाँ वर्णन मिलता है वही आज का अमरनाथ तीर्थ है जिसके मूल नायक ऋषभदेव प्रभु हैं। यहाँ की यात्रा को छरी यात्रा कहते हैं जो प्राचीन काल से आज तक परंपरा में जैन धर्म में चहदी यात्रा के रूप में चलती आ रही है। आज से 50 वर्ष पूर्व कश्मीर में एक दिगंबर जैन परिवार रहता था। उनसे हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। हम कश्मीर जाने को उनके यहाँ रुकते थे। वो तहसील रोड पर रहते थे और वो हर साल अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे। वे बताते हैं कि ये बहुत प्राचीन तीर्थ है और ऋषभ देव का है। गुफा के अंदर प्रभु के लांछन और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्व है, ऐसा उनका कहना था। नंदकोल लेक तथा हरमुख पर्वत भी समीप में है। ये अमरनाथ केव है और सबसे जो प्राचीन रास्ता जो पहले चलता था अमरनाथ जाने के लिए वो पहलगांव चंदनबाड़ी होकर के था और पहलगांव का प्राचीन नाम बैलगांव था पहले। ये नंदकौल है और ऊपर में ये हरमुख पर्वत है। पलन की राज तरंगी में सम्राट सत्यप्रतीक अशोक का वर्णन आता है जो 1445 ईस्वी पूर्व में कश्मीर के राज सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने जैन शासन को स्वीकार किया था। पलन अपनी राज तरंगी में सत्यप्रतीक अशोक का वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रपवात्र शकुने भूपते प्रपीत्वज वहद शोकाख्य सत्य संगो वसुधराम। ये शांत विजनो राजा प्रपन्नो जिन शासनम। राजा शकुनी के प्रपौत्र सत्यप्रतीक अशोक महान ने कश्मीर की वसुंधरा पर राज्य किया और जब उसने जिन शासन को स्वीकार किया था तब उसके पाप
शांत हो गए थे। शुष्क लेत तथा विस्तार इन दोनों नगरों को उसने जैन स्तूप मंडलों से आच्छादित कर दिया था। अनेक जैन मंदिरों तथा नगरों का निर्माण किया था जिसमें से विस्तारपुर के धर्मानंद ने बिहार में इतना ऊंचा जैन मंदिर बनवाया था कि जिसकी ऊंचाई को आंखें देखने में असमर्थ हो जाती हैं। कलहण की मान्यता अनुसार ये राजा 1445 ईस्वी पूर्व हुआ था और इस बात को एम एस जैन जैसे इतिहासकारों ने भी माना है, लेकिन नाम के आधार पर 14वीं सदी ईस्वी पूर्व के अशोक को मौर्य राजा अशोक समझने में उन्होंने भूल की है और इसी भ्रम में पी एन ओक जैसे इतिहासकारों ने भी भारतीय इतिहास की धारा को एक विपरीत मोड़ देने का प्रयास किया। जबकि दोनों अशोक के समय में लगभग 12 शताब्दियों का अंतर है और इसके अलावा भी एम एस जैन ने राजतरंगिणी का अनुवाद करते हुए जहां भी जिन शब्द को देखा है वहां उन्होंने उसकी व्याख्या बुद्ध और बौद्ध धर्म से की है। अशोक के बाद उनका पुत्र जलोक गद्दी में बैठा। उसने यह व्रत लिया था कि वह विजयेश्वर और ज्येष्ठ शिव का दर्शन नंदी क्षेत्र में जाकर करेगा। ये ज्येष्ठ और विजयेश्वर विशेषण जिन तीर्थंकरों के लिए ही प्रयोग किया गया। श्रीमाल पुराण जो कि स्कंद पुराण का ही एक अंश है उसमें 24वें तीर्थंकर वर्तमान स्वामी का काश्मीर जाने का उल्लेख मिलता है। तस्य तप प्रभावन किंचन जैन पर्वते महावीरो यदा जातो देश काश्मीर के यदा। राजतरंगिणी की दूसरी किताब के 123 श्लोक में भूतेश वर्धमानेश विजयेशान पश्यतः इस श्लोक के अनुसार शिव का एक नाम वर्धमान बताया गया है जो अंतिम 14वें तीर्थंकर महावीर का नाम था। तदा भगवत शाक्य सिंह से पर निवृते राज्य तरंगी के प्रथम किताब के 172वें श्लोक में शाक्य सिंह बुद्ध का जिक्र है। आश्चर्य यह है कि कलहन ने गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ नाम का वर्णन नहीं किया है बल्कि शाक्य सिंह का नाम बुद्ध के लिए प्रयोग किया है जो कि एक गहन शोध का विषय है। मौर्य सम्राटों के साम्राज्य का विस्तार काश्मीर में था और सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल जो विमाता के शरण के कारण अंधे हो गए थे वो तक्षशिला से काश्मीर होते हुए उत्तर की तरफ गए थे और वहां उन्होंने प्रसिद्ध खुतान शहर की स्थापना की थी और इसका वर्णन भारतीय इतिहासकारों ने किया है और चीनी साहित्य में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। उन्होंने सम्राट संपत्ति ने भी कश्मीर तथा पूरे सिक्किम क्षेत्र में जैन धर्म की प्रभावना की थी। उड़ीसा के सम्राट महामेघवाहन खारवेल ने अपने राजत्व के 12वें वर्ष में समस्त उत्तरापद को जीता था और जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित था। उनके शासन के 13वें वर्ष के बाद का इतिहास हमें कलहण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास में मिलता है। राजतरंगिणी में मेघवाहन के विषय में लिखा है प्रजागण मंत्रियों के नेतृत्व में गंधार प्रदेश गए और मेघवाहन जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी उनको कश्मीर में लेकर आए। इस गुणी राजा ने अपने देश में जीव हत्या का निषेध करवा दिया और जो जीव हत्या से जीविका चलाते थे उनको बिना जीव हत्या किए जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से धन दिया। ये राजा जो जीव हत्या का जैनों की तरह घोर विरोधी था उसने यज्ञों में पशु बलि के स्थान पर घी और मिष्ठान का व्यवहार प्रचलित कराया। इस राजा ने जीव हत्या निषेध के पवित्र कानून के पालन के लिए सभी राज्यों में विजय पताका फहराने के लिए वो निकला और जिससे कि वह जीव हत्या को बंद कर सके।
उसकी विजय की आकांक्षा में सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा करने की भावना भी थी। जब उसकी सेना विश्राम कर रही थी तो लंका का राजा विभीषण मित्रता के लिए उसके पास आया और पृथ्वी के आभूषण रूप में एक वाहन को लंका ले गया। लंका के पूरे राज्य में जीव हत्या निषेध करवाकर वह गुणी सम्राट अपने राज्य में वापस आया और उस समय से उसके आदेशानुसार पूरी पृथ्वी में जीव हत्या रोक दी गई। उसके शासन में स्थलचर जलचर वायुचर किसी भी प्रकार के जीव नहीं मारे जाते थे और 34 साल शासन के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा विश्व अंधकारमय हो गया। राजतरंगी में सिर्फ मेघवाहन का नहीं वर्णन उसकी चार पीढ़ियों का भी हमें वर्णन मिलता है। उसका प्रपौत्र उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन था। अपने राज्य के 12वें वर्ष में मेघवाहन ने उत्तरापथ में विजय प्राप्त कर कश्मीर में अपनी राज्य सत्ता स्थापित की थी। उनके विषय में के राधा कृष्ण मुखर्जी ने लिखा है, कश्मीर में सम्राट मेघवाहन जैसे दिग्विजय सम्राट उत्पन्न किए जिनकी सैनिक वाहिनियों ने आधे विश्व को विजय किया और विजित प्रदेशों को एक शर्त में वापस किया कि वहां पर प्राणी हिंसा नहीं होगी। श्री नरेंद्र सहगल पांजन्य में मेघवाहन की प्रशंसा में लिखते हैं, प्राणी रक्षा हेतु स्वयं की बलि को प्रस्तुत होने वाला मेघवाहन अपने आदर्शों से कश्मीर को ऊंचा उठा ले गया और अहिंसा का ये पृष्ठ उदाहरण मेघवाहन कश्मीर विजय और उसके जिन धर्मी होने का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। और इसकी पुष्टि राजतरंगिणी में कलहण ने भी की है कि किस प्रकार राजा एक प्राणी की रक्षा हेतु स्वयं की बलि देने में तत्पर हो गया था। और खारवेल ने व्यक्ति के नैतिक चरित्र को उठाने के लिए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का स्वयं तो पालन किया बल्कि जन जन को भी उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। द कश्मीर हैज एनरिच्ड द वर्ल्ड एथिक्स बाय इट्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोबर क्वालिटीज एंड डीड्स। विद दिस रिकॉग्निशन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीड्स एंड द immortality of soul have received important place in the code of ethics. इस प्रकार कश्मीर में ऋषभ संस्कृति का जो प्रभाव था वो खारवेल के समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया। उसका विशाल साम्राज्य और अहिंसा की भावना इतनी उच्च कोटि की थी कि वह सम्राट अशोक से साम्राज्य की दृष्टि से और धार्मिक प्रभावना की दृष्टि से भी महान कहा जा सकता है। और खारवेल के बाद अनेक पीढ़ियों तो कश्मीर के राजमहलों में जो अहिंसा ध्वजा फहराई जाती थी वह खारवेल को श्रीलंका के राजा ने प्रदान की थी। जब कश्मीर के राजा कहीं बाहर जाते थे तो ये ध्वजा उसके आगे आगे चलती थी। ईसाइयों के धार्मिक प्रवर्तक ईसा मसीह की जीवन 12 वर्ष का समय अंधकार का माना जाता है और 19वीं सदी के अंतिम चरण ने रूसी यात्री निकोलाई नोटाविच को कश्मीर तिब्बत सीमा पर लद्दाख के बौद्ध लामाओं द्वारा सुरक्षित हस्तलिखित कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें ईसा के इन वर्षों के निवास व क्रियाकलापों का हमें वर्णन मिलता है। निकोलाई नोटाविच के ग्रंथ के आधार पर फेबर केसर ने जीजस डाइड इन कश्मीर नामक ग्रंथ में ईसा के इन वर्षों का वृतांत दिया है और उसके अनुसार इन्होंने ये वर्ष कश्मीर में बिताए थे और यहीं से उन्होंने अहिंसा दया समता और करुणा का ज्ञान प्राप्त किया था। अंतिम समय उनकी मृत्यु कश्मीर में हुई थी और ये वहीं पर उनकी उनकी समाधि है।
स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक योग से रोग निवारण में भी इसका उल्लेख किया है और स्टेट्समैन अखबार में भी इस विषय में एक लेख प्रकाशित हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। ईसा मसीह के विचारों पर जैन धर्म की छवि स्पष्ट दिखाई पड़ती है जो कश्मीर से उन्हें विरासत में मिली, क्योंकि उस समय कश्मीर और उड़ीसा में जैन धर्म का प्रभुत्व था। जीजस से इंडिया में उल्लेख है का कश्मीर से ईसा उड़ीसा गए थे और वहां से वाराणसी, जहां ब्राह्मण पंडितों ने उनका विरोध किया था, अतः वहीं से भागकर वे जैनियों के मध्य रहे। डॉक्टर जे डी जैन ने लिखा है कि ईसा को सूली पर चढ़ाने का एक कारण उनका नग्न रहना भी था, और हम ये देखा जाता है कि उनकी क्रॉस में लगी मूर्ति पर उनके शरीर में आवरण के रूप में सिर्फ एक कपड़ा ही पड़ा रहता है। उद्योतन सूरी जी अपने ग्रंथ कुबलय माल में लिखते हैं कि गुप्त सम्राट को पदच्युत करने वाले खून सम्राट तोरमार के गुरु हरिभद्र सूरी थे। तोरमार उनका अनन्य भक्त था और उसका पुत्र मेहरपुल भी जैन धर्म से प्रभावित था। उन्होंने कश्मीर को विजित किया था और वहां जैन धर्म के प्रभाव का विस्तार किया। उसकी राजधानी जम्मू के निकट पवैया नगरी थी। राजतग्नि के चतुर्थ किताब के इन श्लोकों में श्लोक नंबर 192 200 में सम्राट ललितादित्य का वर्णन मिलता है, जिसने अनेक जिन मंदिरों का निर्माण कराया था। मातंड के भव्य सुंदर सूर्य मंदिरों का भी इन्होंने निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर की उपासना आदिनाथ ऋषभ देव की उपासना से जुड़ी हुई है। उड़ीसा के इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का ने ऋषभ की उपासना सूर्य के रूप में प्रचलित रही इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ऋषभ नाथ का अर्थ है सूर्य नाथ या जगत का जीवन रूपी पुष्प। सम्राट ललितादित्य ने एक 81 फीट ऊंचा स्तूप भी निर्मित कराया था। जिन प्रतिमाओं से युक्त विहार राजविहार बनाया, जिस पर 84,000 तोला सोना मंडित किया गया था। इसी सम्राट के आदेश से उनके चक्खुन नामक मंत्री ने तुखार में एक विशाल जिन मंदिर का निर्माण किया था। ये तुखार कहां पर था इसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ। कश्मीर के उत्तर में चाइना से यूरोप को जो सिल्क रूट जाता है, जिसमें गोबी डेजर्ट और तारिम बेसिन पड़ता है, इस पूरे क्षेत्र को तुखार क्षेत्र में तुखार लोग कहते थे। ये 40 तुर्किस्तान के अंतर्गत था किसी समय में, और यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध खुतान शहर है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल द्वारा 300 ईस्वी पूर्व कराया गया था। वह कश्मीर होता हुआ वहां गया था और वहां जो बिहार और स्तूप के भग्नावशेष हमें मिले हैं वो आज बौद्धों के अधिकार में हैं। उनका निर्माण भी कुणाल ने वहां करवाया था। ये गोबी डेजर्ट का क्षेत्र कभी कच्छ कहा जाता था, और तिब्बत में भी एक कच्छ नाम का क्षेत्र है यहाँ पर, और ये कुनलुन माउंटेन बीच में पड़ता है। ये बड़ा कच्छ और ये छोटा कच्छ यहाँ पर, ये वही क्षेत्र है जहाँ इंद्र ने ऋषभदेव स्वामी के समय
नमी और विनमी को दिया था और ये विद्याधरों का क्षेत्र कहलाता है जहाँ वानर वंशीय लोग रहते थे। इस क्षेत्र के पूर्व में तिब्बत, मंगोलिया और प्राचीन सीमा चीन की सीमा जहाँ मिलती है वहीं ब्रात्य, जिन और श्रमण शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है। यही हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनके पिता लंका जाते समय कैलाश की घाटी में रुक कर विश्राम करते थे। ये जिन संस्कृति का गढ़ रहा था, आज भी यहाँ हजारों गुफाएं तथा हजारों हजारों मूर्तियां हैं जिनमें अधिकांश जिन प्रतिमाएं हैं। वर्तमान में बौद्धों का यहाँ वर्चस्व होने के कारण ये मध्य एशिया का क्षेत्र बौद्ध धर्म से प्रभावित बताया जाता है। एम ए सेन को खोतान में संयुक्त ग्रंथ मिले हैं जो प्राकृत में है, पाली में नहीं, और तारी रिवर इसका प्राचीन नाम है सीता नदी। ये क्षेत्र कश्मीर से अभिन्न थे, ये कश्मीर के जस्ट ऊपर में है और ये कश्मीर से लगे हुए पूरे थे ये क्षेत्र। कनिष्क भी यहीं का था और उसने जब भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया तो खोतान के राजा विजय कीर्ति ने उसकी सहायता की थी। और ये सर्वविदित है कि कुषाण वंश के राजाओं ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षण किया था। ये वहां का जो रावक स्तूप है उसका ये बाहरी दीवार पर आपकी पीपीटी शेयर नहीं हो रही। आपकी पीपीटी पहले शेयर हो रही थी, अब शेयर नहीं हो रही। एक एक सेकंड मैं भी करवा दूं। अरे इसको ये पीपीटी नहीं आ रहा है और ये आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं। ओके, हटा दो इसको, मैं अपना वक्तव्य। राजतरंगी में कल्हण ने ललिता दृत्य के समय ही एक राजा कय स्वामी का उल्लेख किया है जो उस समय लाट देश के राजा थे और वहां पर उन्होंने अद्भुत जैन मंदिर बनवाया था जिसमें जैन भिक्षु लोग रहते थे। आचार्य भट्टो नाम विद्याहे भक्तेश्वरम, प्रसिद्ध जैनाचार्य बप भट्ट सूरी जिनका मैंने आगे वर्णन किया है और वो ललिता दित्य के दरबार में थे और सम्राट उनसे बहुत प्रभावित थे। कल्हण ने बंगाल के गौंड से कश्मीर के संबंध तथा काव्य कुंज के यशोवर्धन राजा का भी जिक्र किया है जिन्हें युद्ध में ललिता दित्य ने हराया था। यशोवर्धन के दरबार में बागपति नाम के विद्वान कवि रहते थे और जिसका विवरण हमें जैन कथा साहित्य में भी प्राप्त होता है। उत्खनन में कश्मीर के हुस्कपुर में एक स्तूप निकला जो सम्राट ललितादित्य ने बनवाया था। 12वीं शताब्दी में
परमाहर कुमार पल सोलंकी जैन धर्मी राजा थे और उनके गुरु थे कलिका सर्वज्ञ श्री हेमचंद सूरी जी। इनकी राजधानी पाटन थी, लेकिन इनका राज्य विस्तार काश्मीर, सिंधु और तुर्किस्तान तक था। कुमारपल राजा ने अपने सारे राज्यों में अमारी घोषणा कराई थी और जो प्रचार प्रसार अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया था, कहा जाता है कि कुमारपल ने भी जैन धर्म के लिए वही किया था। और उनके समय में भी कश्मीर में जैन धर्म का प्रचार व प्रचार प्रसार निरंतर बना रहा। 9वीं शताब्दी में शंकर वर्मन के समय में भट्ट जयंती नामक एक कवि द्वारा रचित एक नाट्य है आगम अदम्बरा। और इसके अनुसार उस समय श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मुनि कश्मीर में विचरण करते थे। ऐसा प्रतापदित्त पाल ने अपने लेख एन एविडेंस ऑफ जर्नलिज्म इन अफगानिस्तान एंड कश्मीर में लिखा है। कश्मीर में जैन मंदिरों तीर्थों की यात्रा के लिए भारत के अनेक नगरों से यात्री संघों के आने के उल्लेख भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए पार्श्वनाथ की परंपरा का इतिहास नामक ग्रंथ में आचार्य श्री देवगुप्त गुप्त सूरी ने लिखा है कि विक्रम संवत 972 में श्वेतांबर जैन श्रावक ओसवाल वंश में संचेती गोत्री चंद्रभान ने रणथंबोर से एक बहुत बड़ा संघ जैन तीर्थों की यात्रा के निकाला था और इसने यात्रा में पंजाब, सिंध, कांगड़ा, कश्मीर आदि देशों के तीर्थों की यात्रा की थी। विक्रम संवत 1320 में पेथर शाह जो माधवगढ़ के निवासी थे, उन्होंने अपने गुरु श्री धर्मभोज सूरी जी के उपदेश से प्रभावित होकर 84 प्रमुख नगरों में 84 जैन मंदिर का निर्माण कराया था और उन्होंने कश्मीर में भी जैन मंदिर निर्मित कराया था। 1275 से 1303 ईस्वी विक्रम संवत में जैन धर्मानुयायी महामान्य वस्तुपाल व तेजपाल दोनों भाइयों ने भी कश्मीर में जैन मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। कल्हण ने अपनी रासनंदिनी गणपति के स्वरूप के विषय में भी जैन मत की पुष्टि की है। वह लिखते हैं, वही गणपति श्लाघनीय है जिसकी वाणी राग देश का बहिष्कार करने वाली तथा एक न्याय मूर्ति के समान भूतकालीन घटनाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हो। इस प्रकार कश्मीर में जैन धर्म का सिर्फ प्रभाव ही नहीं, वरन वहां की संस्कृति में जैन धर्म की ही छाप थी और जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर गणपति शब्द के वही अर्थ लिए जाते थे जो जैन धर्म में मिलते हैं। सम्राट अकबर के समय भी हमें कश्मीर में जैन धर्म संबंधी विवरण प्राप्त होता है। सम्राट अकबर हीर विजय सूरी जी और जिनचंद सूरी जी दोनों से प्रभावित थे और कश्मीर की विजय यात्रा के समय सम्राट की इच्छा को मान लेते हुए आचार्य जिनचंद सूरी जी ने वाचक महिमराज को हर्ष विशाल आदि मुनियों के साथ कश्मीर भेजा था और कश्मीर के प्रवास में वाचक महिमराज की अवर्णीय उत्कृष्ट साधुता और प्रासंगिक एवं मार्मिक चर्चाओं से अकबर अत्याधिक प्रभावित हुए थे। महारामदास वाटिका के में सब सामंतों और विद्वानों की परिषद में कवि ने अपना 8 अक्षरों पर 8,00,000 अर्थों की रचना को सुनाया था। और वाचक जी की अभिलाषानुसार कश्मीर में अमारी घोषणा कराई थी अकबर ने और मार्ग में आने वाले सरोवरों के जल जीवों की रक्षा कराई। उन्होंने कश्मीर विजय के बाद श्रीनगर में 8 दिन की अमारी घोषणा कराई थी। शुभ दिने रिपुबल हेली बई नया श्रीपुरी उतारी अमारी तिहा जिन 8 पाली देश साधी जयवारी।
श्रीपुर नगर आई हमारी गुरु पल्लवी, मछली सबई छुड़ाई निकौ भमल भैयारी, अकबर के दवारी अब्दुल फजल ने कहा है कि कश्मीर सर्वाधिक आदरणीय वर्ग ऋषियों तथा मुनियों का था, यद्यपि उन्होंने पूजा के परंपरागत रीति रिवाजों को नहीं त्यागा, फिर भी वे सच्चे भक्त हैं। वे दुनिया की वस्तुओं की इच्छा नहीं करते, वे मांस नहीं खाते, विवाह नहीं करते, और इन ऋषियों ने कश्मीर की भूमि को वास्तव में स्वर्ग बना दिया था। इनके उपदेशों में कोई स्वार्थ नहीं था, व्यवहार में आडंबर नहीं था, और उद्देश्यों में कालीमा नहीं थी। इस प्रकार कवि कझन ने राजतरंगिणी में ईस्वी सन से पूर्व 1445 वर्ष से विक्रम राजा के काल तक कश्मीर में जैन धर्म संबंधी इतिहास का उल्लेख किया है, और जैनाचार्य रत्न शेखर सूरी जी ने पांचवें तीर्थंकर सुमतीनाथ से भी पहले यहाँ जैन धर्म होने का वर्णन किया है। कुमार पर राजा के चरित्र और अब्बुल फजल के वर्णों से भी यह स्पष्ट होता है कि पांचवें तीर्थंकर सुमतीनाथ के समय से ईसा की 15वीं शताब्दी तक कश्मीर में जैन धर्म की प्रधानता विद्यमान थी। और इसके बाद अनेक मुसलमान बादशाहों ने यहाँ पर आक्रमण किए इस बीच में, और यहाँ की संस्कृति और मंदिरों को ध्वंस किया। सुल्तान सिकंदर लोदी, जिसको बुद्ध कृष्ण भी कहते हैं, उन्होंने जैन बौद्ध हिंदू ग्रंथ थे सबको अग्नि की भेंट चढ़ा दिया या जल समाधि दे दी। तैमूर ने भारत से वापस लौटते समय कश्मीर को बुरी तरह लूटा और बचे कुचे मंदिरों को भी ध्वंस कर दिया, और शायद यही कारण है कि कश्मीर के इतिहास की 15 राजतरंगिणी में से आज एक भी हमें उपलब्ध नहीं होती। और ये समय कश्मीर के इतिहास का एक बहुत ही भयंकर काल था, जहां पर ब्राह्मणों के 11 घर छोड़कर सभी को मुसलमान बना दिया गया, और जो लोग धर्म पर दृढ़ रहे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और बच्चों को काबुल ले जाकर कट्टर मुसलमान बना दिया गया। आज भी काबुल में एक ओसवाल भावड़ा पठान नाम की जाति है। ओसवाल जाति को पंजाब कश्मीर में भावड़ा कहते हैं, और इनमें एक गोत्र पठान भी है, और इसका उल्लेख खत्तर गजपति श्रीपाल जी ने अपनी जैन संप्रदाय शिक्षा नामक पुस्तक के पृष्ठ 659 में किया है। सम्राट औरंगजेब ने भी यहाँ जो बचा कुचा मंदिर और ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिए, और इस प्रकार कश्मीर से जैन धर्म का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। तो जो कश्मीर जैन धर्म संस्कृति से सहस्रों पीढ़ी तक प्रभावित रहा, वहां से आज जैन धर्म लुप्त प्राय हो गया। आज जैन संस्कृति का कश्मीर के इतिहास में योगदान का उचित मूल्यांकन तभी हो सकता है जब विदेशी इतिहासकारों और उनके अनुकरणकर्ता भारतीय इतिहासकारों के भ्रमित टिप्पणियों का पुनः संशोधन किया जाए, और इस विषय में भारतीय पुरातत्व विभाग संज्ञान ले। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद लता जी। आपने कश्मीर में जैन धर्म इस विषय पर अनेक ग्रंथों के प्रमाण देते हुए बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं मंच को ओपन करता हूँ प्रश्न के लिए। जिज्ञासुओं को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास 2 या 3 प्रश्न का समय है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ प्रश्न के लिए।
विंध्या जी किसी का कोई प्रश्न हैंड रेज हुआ हो तो आप बरा जरा देखेगा, आमंत्रित कीजिएगा। अभी हुआ नहीं, कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। ओके लता जी, कोई खास प्रश्न तो आ नहीं रहे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे साहित्यिक प्रमाण दिए, लेकिन क्या कोई ऐसे पुरातात्विक अवशेष या प्रमाण मिलते हैं जो हमें ये प्रमाण दे सके कि पूर्व में, मतलब प्राचीन काल में कश्मीर में जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है? एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं दत्ता जी। 370 धारा लगने के बाद सुरेंद्र पाठक बोल रहा हूं, एक प्रश्न मेरा भी है इसी से जुड़ा हुआ। हाँ पाठक जी, आप भी पूछ लीजिए, पाठक जी आप भी पूछ लीजिए प्रश्न, दोनों का जवाब शायद एक ही, दोनों का एक ही उत्तर हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था वर्तमान में क्या स्थिति है जैन धर्म की, वहां पर वर्तमान जो कश्मीर है वहां पर जैन धर्म की क्या स्थिति है, मंदिरों की या वहां पर जो और भी जो तीर्थ यात्रियों के जाने की क्या स्थिति है? आपने जैसा कहा दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं थी वहां पर, तो की क्या स्थिति है? थैंक यू। देखिए आज तो वहां पर कोई मंदिर अभी नहीं उपलब्ध होता, लेकिन अभी धारा 370 लगने के बाद एक मूर्ति मिली है झेलम नदी से, जो अंबिका या दुर्गा की है, और जिसमें भी शोध आगे नहीं हुआ है, सिर्फ मूर्ति ही अभी निकली है जो वहां पर है अभी। और इसके पहले भी करीब 4 दशक से कोई काम ही नहीं हुआ है वहां पर। तो इस समय वहां पर हम जब तक वहां पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सक्रिय नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय में। एक वहां पर जैन स्तूप और मंदिर के भग्नावशेष मिले थे कथा जिला इन कश्मीर में सिंहपुरा हिल के पास, और उसका मूर्ति का मस्तिष्क चंडीगढ़ म्यूजियम में है और टेंपल पिलर लाहौर म्यूजियम में है। 1908 रिपोर्ट में, लाहौर म्यूजियम की रिपोर्ट में इसका वर्णन है। इसके अलावा अभी पुरातत्व में कुछ भी काम नहीं हुआ है वहां पर। और वर्तमान में वहां जैनियों का स्थिति कुछ भी नहीं है, मतलब अभी कश्मीर और जैन धर्म दो अलग धारा के प्रतीक होते हैं इस समय। कश्मीर में एक शीतलनाथ भगवान का जैन मंदिर होने की बात आई है, और वो अभी कई सालों के बाद उसके द्वार खुले हैं, ऐसा उल्लेख हमें अखबारों से। हाँ, लेकिन ये मंदिर जम्मू में भी है और कश्मीर में एक मंदिर है, लेकिन ये बहुत अर्वाचीन मंदिर है, प्राचीन नहीं है। ओके और कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं सुरेंद्र पाठक जी से विनती करूंगा कि आप आइए और आपके विशेष कोई टिप्पणी हो तो कम करके। नहीं, माननीय कुलपति बहुत ऐसे करेंगे कि वो अपना अध्यक्षीय वचन जो है प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, हमारे माननीय कुलपति महोदय, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। आज जो आर्य विश्वविद्यालय की जैन दर्शन शोध पीठ के अंतर्गत जो विशिष्ट व्याख्यान कश्मीर में जैन धर्म इस पर हुआ, उसके लिए मैं अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भाई जितेंद्र शाह जी के प्रति जितने भी अच्छे शब्द कहूं वो कम होंगे।
मैंने एक अति विद्वता और अति विनम्रता दोनों का सम्मिश्रण इनके व्यक्तित्व और वाणी दोनों में महसूस किया है। जितनी मेरी इनसे सीधी मुलाकात नहीं है लेकिन जितनी बातचीत हुई है ये चीज है, और उसी तरीके की उनकी व्यापक दृष्टि है। पहला जो आपका स्वयं का व्याख्यान हुआ था और जो उसमें इतने व्यापक लोग जुड़े थे, और आज मैं वही महसूस कर रही हूँ कि डॉक्टर लता बोथरा जी ने जो कश्मीर में जैन धर्म की बात कही। देखिए जैन धर्म का जो स्वरूप है, मैं आप जैसे विद्वानों को तो क्या कहूँ, और मुझे बहुत सारे आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, वो तो एक कुलपति की मर्यादा के नाते कह रही हूँ। जैन धर्म का जो विस्तार है और वर्तमान जो दौर है उसमें इसकी उपयोगिता, समीचीनता वैश्विक मानवीयता के हक में बहुत ज्यादा व्यापक संदर्भ में है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा हो, वैश्विक मानवता संकट में हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक देश संकट में है और दूसरा आनंदित है, तो एक तो सबको क्या समझ में आ गया कि हम अकेले आनंद में नहीं रह सकते, जो कुछ करना है हमको साथ रहना है, तो साथ रहना है और एक मानवीय दृष्टिकोण से साथ रहना है। जब ये दो दृष्टिकोण है तो क्या भाई हमारे मूल्य क्या होंगे? मूल्य होगा हमारी अहिंसा होगी, शांति होगी, मानवीय आचरण होगा। तो ये जो चीजें हैं उसको जैन धर्म शुरू से ही महत्व देता रहा है, व्याख्यायित करता रहा है। अब इसकी विशिष्टता आज के व्याख्यान में डॉक्टर बोथरा जी के माध्यम से जो सबको विशेष तौर पर पता चली कि आप बात कर रही हैं स्पेसिफिक कश्मीर में जैन धर्म। कश्मीर का राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, या ये कहिए जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, सर्वविदित है, विदित है। वहां के जो संकट हैं और वहां की जो खुशनुमा वातावरण है, सबको ही सुपरिचित है। उस वातावरण में जैन धर्म अगर अहिंसा, शांति, सद्भाव, इंसानियत के लिए कार्य करता है तो उसका महत्व उसी तरह बढ़ जाता है जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके जीवन में संघर्ष ना हो तो आपका व्यक्तित्व तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान अपने ही व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर पाता कि वो सर्वश्रेष्ठ क्या करेगा। धर्म के सामने भी कहीं कहीं ऐसी सामाजिक परीक्षाओं की घड़ी हो जाती है और सामाजिक जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। जहां ज्यादा संकट, जहां ज्यादा इस तरीके की बातें हैं जिनको बहुत सारा नहीं मुझे कहना चाहिए एक संवैधानिक स्थान पे बैठ के, लेकिन जिस प्रकार का भी वातावरण है, सिनेरियो है, रोज जिस प्रकार की वार्ताएं हमारे अड़ोस पड़ोसी देशों पे हैं, वहाँ के जनमानस में जिस प्रकार की चीज है, वहां पर हमारा जैन धर्म किस तरीके से इंसानियत का संदेश दे रहा है, किस तरीके से सद्भाव की बात कर रहा है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ रहा है, रिश्तों की बात कर रहा है और एक त्यागपूर्ण अहिंसा की जिंदगी की बात कर रहा है। मैं डॉक्टर लता बोथरा जी, आपने इस विश्वविद्यालय को इतना समय दिया और वो मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति बहुत मन से, हृदय से आदर व्यक्त करती हूँ, सत्कार व्यक्त करती हूँ। और हम भविष्य में ये बहुत अपेक्षा करेंगे ही कि ये थोड़ा सा ऑनलाइन मोड कब तक चलेगा, ऑफलाइन मोड शुरू हो गई, चीजें आ गई, शुरू हो गई, तो जैसे ही ये कार्यक्रम कुछ ऑफलाइन मोड में हम यहाँ विश्वविद्यालय में करेंगे तो मैं इंद्र शाह जी से ये अनुरोध करूंगी कि आपको जरूर यहाँ पे बुलाएं और एक व्यापक निजी तौर पे भी हम लोग एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के सुख दुख जान सकें, क्योंकि इन आयोजनों के माध्यम से सबसे अच्छी बात है कि हमारे परिवार व्यवस्था का विस्तार होता है। मतलब मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि भाई ये अहमदाबाद में भी हमारा घर है, जब हम जाएंगे तो अपने भाई के घर पहुंच जाएंगे, है ना। वो चीज भी बढ़ेगी, एक दूसरे के वैचारिक अनुभवों का विस्तार भी साझा होगा और स्वाभाविक है उनके तहत समाज का हित होगा, राष्ट्र का चिंतन होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं बहुत आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ इसके लिए,
लेकिन एक इंसानियत के हित में सामाजिक दायित्व बोध में काम करने वाली व्यक्ति जो उसी सिर्फ दिशा में चिंतन करता है, उसी में विचार करता है। तो ये जितनी चीजें हो रही हैं हमारी इस मानक पीठ से, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे कुछ कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, निरंतर अपने व्यक्तित्व को और व्यवहार को परिमार्जित करने का अवसर मिल रहा है। स्वाभाविक है जो आप सबसे सीखूंगी उसी को बांटूंगी और ऐसे विचार की यात्रा बढ़ती जाएगी। मैं फिर आप सबको बहुत प्रणाम करके नमस्कार। आपका माइक म्यूट है सर। प्रोफेसर पाठक जी आप आइए और आगे के मंच के मंच को संभालिए। तो मेरे लिए तो आज का वक्तव्य जो है बहुत ही प्रबोधित करने वाला था। मेरी कल्पना में भी नहीं था कि जैन धर्म का प्रभाव जो है हिमालय की वादियों में इस प्रकार से रहा होगा। बहुत सारी बातें बिल्कुल मेरे लिए तो नई सूचना जैसी थी। शायद इसका मूल कारण ये रहा होगा कि मेरी इतिहास में मेरी कोई अध्ययन नहीं है और दूसरी बात है कि मैं इन परंपराओं की गहराइयों से भी परिचित नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा जो विषय है वो भूगर्भ शास्त्र था, इसलिए हम हिमालय को उस दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन लता जी ने जिस तरीके से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने कहा कि जैन बौद्ध और सनातन तीनों परंपराओं को जोड़ते हुए उन्होंने ये बताया कि कश्मीर जो है वो किस प्रकार से समृद्ध रहा है, कि अध्ययन का पूरे एशिया का जो जिसको कह सकते हैं कि जो हृदय स्थल था वो कश्मीर था, जहां पर बहुत ही समृद्ध जैन परंपरा थी। आपने जैसा रत्न सूरी जी का नाम का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि पांचवी तीर्थंकर से पूर्व के भी अवशेष वहां मिलते हैं और आज भी सैकड़ों हजारों अवशेष जो हैं जैन मूर्तियों के वहां देखने को मिलते हैं। एक और जो बात थी कि जो धर्मांतरण हुआ जिसका आपने उल्लेख किया और आपने कहा कि आज कश्मीर जो है वो जैनों से मुक्त हो गया है, वहां पर जैन कोई रह नहीं गए। और दूसरी बात है कि जो धर्मांतरण हुआ जैसा आप बता रही थी कि जो भट्ट लोग थे वो धर्मांतरण से पूर्व कश्मीरी पंडित थे और कुछ लोग ऐसा भी कह उसमें से ज्यादातर लोग जैन भी रहे होंगे, ऐसा कुछ आपने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया। और आज देखिए कश्मीर की हालत क्या हो गई। मैं तो ये कश्मीर का नाम सुन के यही सुनता था कि ये कश्मीर नाम जो है वो इस्लामिक परंपरा की देन है, लेकिन आपने बताया कि ये तो कश्यप ऋषि से जुड़ा हुआ है। आपने ये भी कहा कि हनुमान जी का जन्मस्थली भी यही रही है और ऐसी रिच ऐसी समृद्ध परंपरा जो है किस प्रकार से तहस नहस हुई है और जो कश्मीर संस्कृति का संस्कार का और अध्ययन का साधना का इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसने पूरे मध्य एशिया को दक्षिण एशिया को यहाँ तक कि इंडोनेशिया पूर्वी एशिया को बहुत अधिक प्रभावित किया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी एशिया में भी यहाँ से विद्वान लोग गए हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ईसा मसीह भी कभी कश्मीर से होके ही गए थे। मुझे उसका ऐतिहासिक जो है संदर्भ याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन आपके वक्तव्य में आज बहुत ही ज्ञानवर्धन का काम किया है, मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं हमारे जो चेयर प्रोफेसर हैं डॉक्टर जितेंद्र बाबूलाल शाह जी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने न केवल जैन चेयर को स्वीकार किया और जैन चेयर में जो पहला लेक्चर ही उन्होंने व्याख्यान कराया है, यही बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य जो है लता जी का रहा है और उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी माननीय कुलपति महोदय ने भी अपने व्यस्त समय में से इस व्याख्यान के अध्यक्षता के लिए अपना समय दिया और उन्होंने एक नई अंतर्दृष्टि भी हम लोगों को प्रदान की,
मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज यात्रा में था और मेरे लिए ये सुखद संयोग था कि मैं आज जितेंद्र जीतू भाई, जिनको इसी नाम से पूरा अहमदाबाद जानता है, उनके सानिध्य में जाने का अवसर मिला। उनका आतिथ्य मैंने स्वीकार किया और मैंने देखा कि वो कैसे किताबों के बीच में बैठ के जो है एक साधक के रूप में अपने अध्ययन की साधना में सतत संलग्न रहते हैं। ऐसे जितेंद्र भाई का सानिध्य आज मुझे प्राप्त हुआ। आज सुबह ही मुझे जो है पंकज सोसाइटी में जैन उपाश्रय में भी जाने को का अवसर मिला। और इस समय ये जो समय है, इस समय में जैन लोग अपने आगमों को प्रदर्शित करते हैं और मैंने उनके फोटोग्राफ लिए। 45 आगम जो है वहां पर रखे गए थे और इसके अलावा जो बहुत सारे जो सूत्र हैं उनका भी पांडुलिपि है, उनके भोज और ताड़पत्रों के ऊपर जो हैं उनका प्रदर्शन वहां था। संयोग से मैं भी वहां गया और मैंने उनको प्रणाम किया और मुझे लगता है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, जो जैन तो अति प्राचीन है लेकिन बौद्ध परंपरा, और हमने देखा नालंदा में किस तरीके से लोगों ने तबाही की है, और उसके अलावा जो वैदिक संस्कृति है उसका भी मूल केंद्र जो है कश्मीर रहा है। तो मुझे उन आगमों को देखकर ये समझ में आया कि हमारी परंपराओं में इनके संरक्षण करने की भी विधियां रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो दो जैन चेयर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने स्थापित की है, जिसमें जैन दर्शन चेयर पे प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह जी हैं और हमारी जो शांति अहिंसा और जैन हेरिटेज चेयर है जिसमें अनुपम जैन है, इन दोनों जैन चेयर के माध्यम से एक नई चीज उभर के आएगी और जो एकेडमिक कम्युनिटी में शोधकर्ताओं के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करेगी। इसके लिए मैं दोनों आचार्यों का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यात्रा में था और उसके कारण से हमारी डॉक्टर बिंदिया तातेड़ जी ने संचालन का उत्तरदायित्व निभाया और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने उसका संचालन किया। हमारी आईटी टीम ने भी सभी चीजें व्यवस्थित रूप से की। विश्वविद्यालय के जो अध्यापक, विशेष रूप से हमारे जो अधिष्ठाता हैं डॉक्टर वर्मा, हमारे रजिस्ट्रार साहब और जो दूसरे अधिष्ठाता और अध्यापक जो है बड़ी संख्या में इसमें जुड़े, और मैंने देखा बहुत सारे जैन विद्वान भी इस वक्तव्य में शामिल हुए थे। और मुझे लगता है कि जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार, अभिनंदन और धन्यवाद जो है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार। माननीय कुलपति जी की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत चाहते हैं। हमारा ये माइक्रोफोन को कुछ हो गया था क्योंकि ये बंद होना नहीं चाहता है कार्यक्रम, और वैसा ही हमारा मन है तो हमारे कंट्रोल में ये आ गया। ये मतलब कह रहा था कि हम बोले ही नहीं, अपनी पावर का ये इस्तेमाल करें कि हम कार्यक्रम ही बंद ना हो। लेकिन सच में जितेंद्र भाई अद्भुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि ABCD पढ़ रहे हैं जी। जी आनंद ही आनंद है, आप ही की कृपा से हो रहा है। अरे भाई ना, ना। तो बहुत साधारण प्राणी है। लता जी बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आपके एक पेपर की प्रतीक्षा रहेगी इस विषय पे, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों का जीवन काल तो सुनिश्चित है, जो लिख जाएगा ये रहेगा संदर्भ ग्रंथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।